हेलो गाइस, डिजाइन शो डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक ऑनलाइन इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे शेप को कैसे यहां पर बनाते हैं। सो गाइस, बहुत आसान है, मिनटों में आप बना सकते हो। सो यस, बस आप इस वीडियो को अच्छे से शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को बोल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज की एक धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले इसके लिए आपको क्रिएट करना होगा एक जाली। जाली कैसे क्रिएट करते हैं, काफी सारे जाली आपके पास जेपीईजी फाइल मिल जाएंगे इंटरनेट पर, उसको डाउनलोड करेंगे और उसको डीएफएक्स में चेंज करेंगे। अगर आप नहीं जानते कैसे यहां पर जाली वगैरह को क्रिएट करते हैं, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, जाइए और उस वीडियो को इसके बाद जरूर देख लीजिए, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे कि कैसे आप किसी भी जेपीईजी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज से 3D जाली कैसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल स्टेप है गाइस और वीडियो काफी छोटी भी है। ऑलराइट, सो यहां पर चलिए आज यहां पर सीखते हैं कि कौन सा मैंने यहां पर टूल यूज किया है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कुछ ऐसा यहां पर डिजाइन बनाने के लिए। गाइस, ये बहुत ही मुश्किल होता है, देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इस वीडियो के बाद आप 100% सीख जाओगे। सो चलिए, यहां पर काफी सारे वैसे टूल्स कवर अप होंगे। सो सबसे पहले यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक्स पहले बता देता हूं, कुछ भी एडवांस करने से पहले बेसिक्स का क्लियर होना जरूरी है। सो यहां पर मैं एक टूल यूज कर रहा हूं, यहां पर बेजियर सरफेस। अगर आप नहीं जानते कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, उस वीडियो को जाकर देखिए। कैसे भी किसी भी तरीके का आप प्लगइन्स को जो है डाउनलोड करना सीख जाओगे, उसको इंस्टॉल कैसे करना है ये सब कुछ सीख जाओगे। सो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बेजियर सरफेस को यूज करने वाला हूँ। बेजियर सरफेस टूल कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे, बेसिकली ये काम कैसे करता है, ये आपके क्वाड फेसेस को क्रिएट करता है। चलिए अब यहाँ पर मैं एक शेप को बना लेता हूं। शेप को बनाने के बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। गाइस, जैसे आप डबल क्लिक करते हो आपके पास कुछ ऐसी ग्रीडिंग्स यहां पर आ जाएंगी, बट ये कोई मामूली ग्रीडिंग्स नहीं है। आप इसको 3D में चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहे इसको वैसा आप शेप दे सकते हो। सो गाइस, देख सकते हो कुछ यहां पर मैंने ऐसा शेप दे दिया इसको। ऑलराइट, इतना ठीक होगा और इसको थोड़ा सा आगे। ऑलराइट, देख सकते हैं गाइस ये कितना ज्यादा आपका प्लेन मैंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। बाहर की साइड अब आप यहां पर कर्सर को चूज कर लेंगे, देन इस शेप को अब यहां पर आप एक्सप्लोड कर दें। एक्सप्लोड करने के बाद एक बार आप इसको फिर से इसी टाइम पर ग्रुप कर दें। बस एक आपका काम हो चुका है। अब यहां पर आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है। सो सबके स्टेप देखिए गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूं सेम स्टेप सब में फॉलो होना है। सो यहां पर शिफ्ट क्लिक करके इसको भी मैं बना लेता हूं और फिर नीचे गया, कोई भी एंड पॉइंट लीजिए आप, और यहाँ पर इसके थ्रू मैं पहले ग्रीन एक्सिस को लॉक किया, फिर मैं इसके थ्रू बनाना है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ये सब कुछ बन गया। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसी पॉइंट से यहाँ पर एक जो है रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा। गाइस, यहाँ पर आप मेक श्योर सारे पॉइंट आपके अच्छे से मैचअप हो रहे हो। देख सकते हो गाइस, ये बिल्कुल पॉइंट के एंड पॉइंट से आपके मैचअप हो रहे हैं, मतलब कि कनेक्टेड है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा एक ग्रुप है। उसके बाद गाइस, मैं इन दोनों लाइंस को भी यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हो मैंने सिर्फ लाइन को सेलेक्ट कर रखा है। फिर यहाँ पर आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको भी एक ग्रुप में बना लो। सो गाइस, यहाँ पर ध्यान रहे आप इसका फ्रंट फेस कर ले, मतलब कि रिवर्स फेस कर ले। फ्रंट फेस रहेगा तभी ये फ्रंट के ऊपर अप्लाई करेगा। अगर आपने यहाँ पर रिवर्स के ऊपर कुछ बनाया तो वो आपको इस तरफ में ड्रॉ करके दे देता है। चलिए, अब यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने डबल क्लिक किया, इसको भी मैं यहाँ पर ग्रुप बना लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइए ताकि यहाँ पर आपको सारा डाउट कोई भी क्लियर हो जाए। गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मैं प्लगइन्स के ऊपर क्लास देने वाला हूँ। टोटल 10 क्लासेस लूंगा मैं, 2500 रुपीज फी है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आज से गाइस 2 से 3 दिन में हम जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज जल्दी से जाइए, मेरे को ज्वाइन कीजिए, प्राइवेटली मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि आपका उस लिस्ट में नाम डालूं और यहाँ पर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर पाए। गाइस, बहुत ही बेनिफिशियल होगी वो क्लास। चलिए, यहाँ पर आपने पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करना सीख लिया। उसके बाद गाइस, इसके ऊपर आप जो भी कुछ ड्रॉ करते हो, कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि जो शेप आए वो काफी जेन्युइन आए। सो यहाँ पर मैं, चलिए कुछ क्रिटिकल सा शेप लेते हैं, 6। ओके, नंबर ऑफ साइड 6 मैंने किया, यहाँ पर ऐसा कुछ शेप बनाएंगे। फिर यहाँ पर ऑफसेट कमांड लेता हूँ, जस्ट इसका ऑफसेट यहाँ पर मार देता हूँ। ऑलराइट, फिर यहाँ पर मैं पुल कमांड लूंगा और इसको थोड़ा सा 3D लुक दे देता हूँ, अंदर वाला कर दिया डिलीट। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने, अब आपके पास
ये एक ग्रुप है जिसके अंदर मतलब आप देखिए 1 2 और ये आपका 3, ये तीन ग्रुप को आपको एक के अंदर रखना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी मैं ग्रुप में कर चुका हूँ। तो अभी आपके पास टोटल 2 ग्रुप हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों ग्रुप को यहाँ पर करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको फ्लोरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्लोरीफाई के ऊपर गए, फ्लोरीफाई के ऊपर गए और यहाँ पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही गाइस कुछ टाइम आपका लग सकता है, बट यहाँ पर आपका वो शेप आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हो ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं बना है, बट यहाँ पर देखिए कितना मुश्किल शेप था और ये जस्ट इसका कॉपी एरे यहाँ पर बना देता है। अगर आप इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं काफी आसान है, आप इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल एक करके सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद GHS पावर बार, अगर ये सारा आप सीखना चाहते हो तो उस कोर्स को आप जरूर लीजिए, इतना सही रेट पर कोई भी नहीं सिखाने वाला, वो भी मेरे जैसा डिटेल में। गाइस यहाँ पर मैं डिटेल मास्टर हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ, कुछ भी पढ़ाता हूँ तो नहीं पढ़ाता तो नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। चलिए यहाँ पर आपका GHS पावर टूल के अंदर यहाँ पर देख सकते हो AMS स्मूथ रन, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है जिससे कि आपका ये शेप जो है ये बिल्कुल सही से इसके ऊपर फिट आउट हो जाएगा। बाद में इसके ऊपर जो भी आप कलर करना चाहते हो वो कलर हो जाएगा। और ये देख सकते हो गाइस काफी कमाल का होगा, होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो यही स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए, जिसके द्वारा मैंने यहाँ पर ये शेप्स को बनाया। अब गाइस आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, यार ये इतना मुश्किल सा शेप, ये आग जैसा जो बना हुआ है इसको मैंने कैसे बनाया। गाइस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है इसको भी बनाना, कैसे आइए समझ लेते हैं इसको भी। सो इसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा, पहले तो ये शेप बना ले। ये शेप बनाने के लिए मैंने क्या किया था यूज, यहाँ पर आर्क, ये देख सकते हो ये आर्क जो कि स्केचअप का बाय डिफॉल्ट है, पहले मैंने इधर से एक मार्क आर्क मारा और यहाँ पर फिर इस साइड से, फिर यहाँ पर मैंने सेंटर में एक लाइन मार दिया। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आप इस वाले आर्क वाले को यहाँ पर वेल्ड कर दें सुपर वेल्ड टूल की मदद से। करने के बाद गाइस यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके रखें, फिर यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन टूल, इसको यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं इसका ट्यूटोरियल ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, जाइए और मजे लीजिए। यहाँ पर सारा ये टूल को मैंने बिल्कुल काफी आसान स्टेप्स में क्लियर करवा दिया है। सो यहाँ पर आपको यूज करना है एक्सट्रूड एच बाय लीथ, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देन पहला पॉइंट और यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हो गाइस ये शेप आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल एक बार क्लिक करूंगा या डबल क्लिक करूंगा ये शेप मेरे पास बननी स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं इसको लीव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा गाइस, इसलिए यहाँ पर चलिए अब आगे चलते हैं, आप ऐसा शेप बनाना समझ जाएंगे। बनाने के बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, जैसे आपने इसमें तो ये समझा था कि यहाँ पर मैंने 2 लाइन को स्ट्रेट लाइन में स्नैप कर दिया, इसमें कैसे किस हिसाब से करना है। गाइस स्टेप्स काफी सिंपल हैं, देखिए जो भी आप ये शेप आपके पास आता है आप उसका साइड प्रोजेक्शन लीजिए और यहाँ से साइड से इसे मेजर कीजिए। इसको सबसे पहले जब आप इसको साइड से मेजर करोगे, मैं ग्रुप में जाता हूँ, ऑलराइट अब यहाँ पर मैं इसको साइड से मेजर करता हूँ तो आप देखेंगे ये सारा का सारा वो वाला लाइन सेलेक्ट होना चाहिए, बस कौन सा लाइन, जो साइड वाला प्रोफाइल है। सो इसको थोड़ा सा बारीक होता है ये गाइस, सो यस यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ सेलेक्ट, ऑलराइट ये देख सकते हो गाइस ये चारों तरफ से आपका सेलेक्ट हो चुका है। होने के बाद गाइस आप यहाँ पर सिंपली देखिए आपको जाना है एंटिटी इन्फो में और यहाँ पर आपका यहाँ पर साइज आ रहा होगा जो इसका लेंथ है टोटल, तो 26 फीट 3.78 इंचेस आपका यहाँ पर साइज है। सेम आप इसका जो लेंथ रखोगे वो भी इतना रखोगे जो अभी आपने देखा। अब यहाँ पर जो इसका ये वाला आपका लेंथ है इसको कैसे देखोगे, सो उसके लिए आप यहाँ पर ये वाले जो कर्व है आपके पास, ये कर्व लाइन इसकी जो लेंथ है 7 फीट 7.78 इंचेस, ये यहाँ पर आप मेजर करके एक रेक्टेंगल बना दोगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद गाइस ये दोनों लाइन आप बनाएंगे, देखिए इसमें भी वही तीन ग्रुप है, पहला ग्रुप आपका, दूसरा ग्रुप और ये आपका तीसरा ग्रुप। बस इतना करने के बाद गाइस जो भी आप इसके ऊपर रखते हो जाली बनाकर, जाली बनाना नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन हाईलाइट हो रहा था पहले, जाइए वीडियो देखिए समझिए जाली कैसे बनता है, काफी आसान है। जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पर रख देते हो आप सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद एक्सटेंशन के ऊपर जाना है, फ्लोरीफाई के ऊपर, फ्लोरीफाई के ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते आपके पास यहाँ पर ये एक शेप हाजिर हो जाएगी। ये देख सकते हो गाइस शेप यहाँ पर आ चुकी है। आने के बाद मेक श्योर यहाँ पर आप जो है इस शेप को और इन दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पर इसका एक और यहाँ पर कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद आपको रोटेशन टूल अच्छे से आता होगा अगर यहाँ पर आप एडवांस देख रहे हो। सो यहाँ पर सिंपली आप क्यू टूल को करोगे जिसकी वजह से आपका रोटेशन टूल आ जाएगा और इसको आप जो है 360 बिल्कुल मैचअप कर दोगे, रोटेशन कर दोगे। रोटेशन होने के बाद कुछ गाइस आपके पास ऐसा जाली काफी आसान स्टेप्स में हाजिर होगा। सो यहाँ पर मैं इसके एजेस को सॉफ्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको मैं थोड़ा सा इसको दिखा पाऊँ। ये देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया लग रहा है ये जाली। सो गाइस यहाँ पर काफी सिंपल स्टेप्स की मदद से आप 3D में कुछ ऐसा अपने डोम को डिजाइन कर सकते हो। काफी आसान है गाइस। कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए जिसमें आप अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर पाएंगे। सो जब तक के लिए चलते हैं आगे, हम और कुछ नया सीखेंगे। नीचे हैंडल दिया हुआ है मैंने इंस्टाग्राम का, उसको फॉलो जरूर करिए, वहां पर नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।